रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रश्न पत्र दिया जाएगा। इसके 5 दिन बाद परीक्षार्थियों को पीडीएफ फाइल बनाकर उत्तर पुस्तिकाओं को भेजना होगा या फिर डाक के माध्यम से भी छात्र उत्तर पुस्तिकाएं भेज सकते हैं। कुलपति केशरी लाल वर्मा ने बताया कि प्राइवेट परीक्षा के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर तीनों वर्षों का एग्जाम होगा। रेगुलर छात्रों में केवल अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा होगी। कुलपति के एल वर्मा से बातचीत की संवाददाता सत्या राजपूत ने। हमारे साथ पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति के एल वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे उसके अनुसार से अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवानी हैं, अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं करवानी हैं और जो स्वाध्यायी विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षाएं करवानी हैं। तो इन परिस्थितियों में विद्यार्थियों को महाविद्यालय में आकर जो परीक्षाएं देते थे उससे मुक्त रखना है। वे एग्जाम एट होम का जो सिस्टम हमने तैयार किया है उसके अनुसार से वो घर बैठे परीक्षा दें और जो प्रश्न पत्र हैं उसे उनको समय पर उपलब्ध कराना और उनके मोबाइल पर, उनके ईमेल पर उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए जो व्यवस्था की जा रही है वो उसमें ये देखा जा रहा है कि कई जो हमारे पास साधन हैं उन सब का उपयोग करें। जैसे हम क्वेश्चन पेपर को अपने वेबसाइट में अपलोड करेंगे, छात्र चाहें तो उससे देख सकते हैं। हम जो परीक्षा केंद्र हैं वहाँ क्वेश्चन पेपर को व्हाट्सएप के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से भेजेंगे और हम उनसे अपेक्षा करेंगे, उनको निर्देश भी है कि वे विद्यार्थियों को वो प्रश्न पत्र उनके व्हाट्सएप में, उनके ईमेल पर भेजें। तो इस प्रकार विद्यार्थी अपने घर में बैठकर परीक्षा दे सकता है और क्वेश्चन पेपर उनको वहीं उपलब्ध हो जाएगा।